दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम गणेश जी की मूर्ति को कलर करेंगे। कलर करने के पहले हम वाइट कर रहे हैं, एक्रेलिक कलर से इस मूर्ति को करेंगे। जैसे कि हमारा पार्ट वन देखा है आपने, छोटी मूर्ति बनाई थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें मूर्ति को कंप्लीट करेंगे कलर करके। देखते रहिए, एक्रेलिक कलर कर रहे हैं। ये डबल कोट भी स्टार्ट हो चुका है, हमने इस बार बहुत जल्दी फटाफट वीडियो बनाया है। देखते रहिए हमारे वीडियो को। और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें और किस टाइप से हम वीडियो बनाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए हमारे वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप हम कलर कैसे करेंगे। एक्रेलिक कलर, वाटर कलर, पोस्टर कलर, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन हमने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है इस मूर्ति पर। अब हम स्किन कलर बनाएंगे, वाइट और ऑरेंज मिक्स करके। येलो नहीं मिक्स करना है इसमें, इसमें स्किन का शेड उसी में आ जाएगा। देखिए स्किन कलर किस तरीके से कर रहे हैं हम। एक्रेलिक कलर यूज़ किया है इस बार हमने। अब हम धोती के नीचे का बेस तैयार कर रहे हैं, ब्लू कलर से करेंगे। ये भी एक्रेलिक कलर थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था तो हमने पोस्टर कलर ले लिया है। आप एक्रेलिक या पोस्टर जिससे भी करें, आप फिनिशिंग के हिसाब से करते रहिए। नीचे वाला बेस हम ब्लैक कलर से करेंगे, और ब्लैक कलर से करने के बाद उसके ऊपर फ्रंट पे रेड कलर करेंगे, ताकि वो कारपेट बिछा लगा हुआ दिखे। और रेड कलर के ऊपर हम गोल्डन से भी करेंगे लास्ट में। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अब हम धोती को कलर करेंगे, पहले येलो कलर करेंगे और उसके ऊपर डार्क ऑरेंज करेंगे, ताकि वो मिक्स होके एक लाइट ऑरेंज और येलो भी हल्का सा उसमें दिखे। इसलिए हम येलो और ऑरेंज मिक्स करके धोती को कलर करेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो को। अब हम गणेश जी का दुपट्टा करेंगे, येलो कलर से कर रहे हैं दुपट्टे को। देखते रहिए, पीले कलर में दुपट्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑरेंज धोती और पीला वो तो मैचिंग नहीं कर सकते। येलो इसलिए किया कि थोड़ा हटके अच्छा लगेगा येलो कलर, और ब्लू नीचे कर दिया तो तीनों कलर हो गए।
लड़की के बाल डेकोरेट करेंगे। उसमें पहले ब्राउन से कर रहे हैं, फिर उसमें ब्लैक से शेडिंग करके बालों को कंप्लीट करेंगे। अब हम गणेश जी की आंखें करेंगे, स्किन कलर सूख जाए उसके बाद ही आंखें तैयार करें, क्योंकि वो गीला रहेगा तो आंखें सही से अच्छे से नहीं बन पाएगी। हम टीका और सोन को डेकोरेट करेंगे, जो कि रेड कलर से करेंगे, डार्क रेड हो या लाइट रेड जैसा आपको अच्छा लगे। अब हम रेड कलर से बाकी की उंगलियाँ और ये भी तैयार करेंगे। रेड कलर इसलिए कि टीयर दिख जाती है उंगलियाँ और कट निशान दिख जाते हैं कि ये हाथ है ये पे हैं। ज़्यादा डार्क भी नहीं, ज़्यादा लाइट भी नहीं, मतलब मीडियम रेड ही पहना है। ज्वेलरी को गोल्डन और सिल्वर से करेंगे, और जो ऊपर सस्ते दिए हैं उन्हें सिल्वर से करेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे सिल्वर से डॉट डॉट बनाएंगे ताकि वो अच्छा लगे, दुपट्टा एकदम चमकीला सा लगे। व्यू वाले बेस पे भी हम सिल्वर कलर से चमकीला चमकीला डॉट डॉट लगाएंगे ताकि बहुत अच्छा लगेगा सिंहासन तक। और रेड वाले पे भी गोल्डन से करेंगे ताकि दोनों गोल्डन और सिल्वर में रेड और ब्लू एक अलग से लुक दे।
धोती पर भी हम गोल्डन से डॉट डॉट बनाएंगे ताकि धोती का लुक भी अच्छा दिखे और एक नया लुक तैयार हो जाए। और हमारी मूर्ति लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे सूखने रख देंगे। सूखने के बाद हम वार्निश का कोट देंगे, अभी कोट का वीडियो भी के सामने आएगा, देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। अब हमारी मूर्ति सूखकर रेडी हो चुकी है, तो हम वार्निश का कोट दे रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, कचूट पॉलिश जो होती है उसी से हम देते हैं। एक ही कोट देना है, दो कोट नहीं देना है, वरना पपड़ी निकलती है इसकी। एक कोट में ये आसानी से सोख लेता है। और कलर जब आपका मूर्ति का सूख जाए तभी करें वार्निश का कोट, नहीं तो कलर एक दूसरे से फैल जाते हैं और फिर मूर्ति बिगड़ सकती है आपकी। देखते रहिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और इस तरीके के वीडियो और भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर लिखें, नए नए चैलेंज जरूर दें कि कौन सी मूर्ति बनाए, क्या बनाए, आर्ट वर्क नया। आप जो भी कमेंट में लिखेंगे हम आपके लिए चैनल पर नया वीडियो लेकर आएंगे। हमारी मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड